गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ईवीएस में चैप्टर टू माय बॉडी के हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, नेम एनी फाइव बॉडी पार्ट। नेम एनी फाइव बॉडी पार्ट मतलब अपनी बॉडी के कोई भी फाइव पार्ट के नाम लिखना है। जैसे ई वाई ई एस आई, E A R S ears, N O S E nose, L E G leg, H E A D head, H A N D hand। इनमें से कोई भी पांच नाम जो आपको इजी लगते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे आई और ears, हैंड एंड हेड, नोज और लेग, इसमें से फाइव नेम्स लिखेंगे। तो ये हो गए बॉडी के बॉडी पार्ट के फाइव नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग बॉडी पार्ट। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग बॉडी पार्ट। फंक्शन मतलब कौन सा बॉडी का पार्ट क्या काम करता है उसका नाम लिखना है। यहाँ दिया है माउथ, तो माउथ क्या काम करता है, तो यहाँ लिखेंगे हेल्प अस टू ईट फूड। माउथ क्या हेल्प करता है, हेल्प अस टू ईट फूड। नेक्स्ट है आई, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हेल्प अस टू सी। आई क्या हेल्प करती है, हेल्प अस टू सी। आई को आई से देखने में मदद मिलती है। आंखें क्या हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है। तो आई हेल्प अस टू सी। फिर क्या आएगा, एच ए एन डी एस हैंड, तो हैंड हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। हैंड क्या हेल्प करते हैं, कोई भी चीज़ें पकड़ने के लिए हमें हेल्प करते हैं, तो हैंड हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। नेक्स्ट क्या है, लेग, तो लेग क्या हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू वॉक। लेग हेल्प अस टू वॉक, चलने में पैर मदद करते हैं। तो ये हो गए जो बॉडी पार्ट दे रखे हैं उसके फंक्शन। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दिए हैं, यहाँ हम लोग को ए को बी से मैच करना है। जैसे टंग, टंग क्या करती है, टंग की टेस्ट करने का काम करती है। जीभ से क्या पता चलता है, टंग माने जीभ। जीभ से हम लोग को क्या पता चलता है, जबान से, के ये चीज कैसी है, कड़वी है, मीठी है, तीखी है। तो ये टंग काम करती है, तो टंग किसका काम करती है, टेस्ट करने का। ओके बच्चों, देन आता है लेग। लेग क्या काम करते हैं, यस डब्ल्यू ए एल के वॉक। लेग से हम लोग चलते हैं, तो लेग में क्या आएगा, डब्ल्यू ए एल के वॉक, लेग चलने का काम करते हैं। देन क्या आएगा, एन ओ एस ई नोज। नोज से हम क्या करते हैं, यस नोज से हम स्मेल करते हैं, एस एम ई डबल एल स्मेल। तो नोज से हम लोग को क्या पता चलता है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, बैड है या गुड स्मेल है। तो ये किससे पता चलता है, नोज से। एंड ये है आइस। आइस से हम लोग क्या करते हैं, आँखों से, यस हम लोग आँखों से देखते हैं। तो आई सी मतलब देखने का काम करती है, तो यहाँ पे आइस के सामने हम लोग को सी लिखना है। और ईयर्स क्या करते हैं, हियर। ईयर्स क्या करते हैं, हियर का काम करते हैं, मतलब सुनने का काम करते हैं, कान सुनने का काम करते हैं। तो यहाँ कान के सामने लिखेंगे हियर्स। तो आओ ये मैच द फॉलोइंग करते हैं, टंग, तो इसके सामने लिखेंगे टेस्ट। टंग क्या काम करती है, टेस्ट करने का। फिर एल ई जी लेग, लेग से क्या करते हैं हम, वॉक। तो यहाँ मैं लिखूंगी डब्ल्यू ए एल के वॉक। नेक्स्ट है एन ओ एस ई नोज, तो नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल। तो क्या आएगा, एस एम ई डबल एल स्मेल। नोज से क्या करते हैं हम, स्मेल। देन आइस, आइस से क्या करते हैं, सी मतलब आइस देखने का काम करती है। कुछ देखना है तो हम लोग आंखों से देखते हैं ना, तो आइस, तो यहाँ लिखेंगे सी। ईयर्स, तो ईयर्स, कान किसका काम करते हैं, सुनने का, तो एच ई ए आर ईयर्स। तो ये हो गए 1 to 5 मैच द फॉलोइंग। तो आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और इसको लर्न भी करना है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे,
नेम एनी पाई बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के कोई भी पार्ट नाम लिखो, तो आई ईयर्स नोज लेग हेड और हैंड, मैंने चार पांच लिख रखे हैं, आपने किस भी मैंने साथ लिख रखे हैं, आप पार्ट से जो भी इजी है वो आप चुन के आप पार्ट लिखोगे, ठीक है। आईस है, ईयर्स है, नोज लेग हेड हैंड माउथ आता है, फूट आता है, तो हम बॉडी पार्ट के ये नाम लिखेंगे पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट दिए उसके यहाँ पे हमें फंक्शन लिखने हैं। तो माउथ का क्या फंक्शन है, हेल्प अस टू ईट फूड। देन आईज का क्या काम है, हेल्प अस टू सी। देन हैंड्स का क्या काम है, हेल्प अस टू होल्ड थिंग। और लेग का क्या काम है, यस लेग का काम है चलना, हेल्प अस टू वॉक, वॉक मीन्स चलना। फिर नेक्स्ट आएगा मैच द फॉलोइंग, ए से बी को मैच करेंगे, टंग टेस्ट करती है, लेग हेल्प अस टू वॉक, नोज हेल्प अस टू स्मेल, आई हेल्प अस टू सी एंड ईयर्स हेल्प अस टू हियर। ये आपको लिख के वन टाइम होमवर्क में लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखना है। आप सब सब्जेक्ट की एक ही नोटबुक बनाओगे और वन बाय वन लिखते जाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।